अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृतकाल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है न भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण, सदियों में जन जन
जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.